ओपन करना भी इजी है और ये क्लोज करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। हाइड्रोलिक की वजह से ये काफ़ी आपका लाइट हो जाता है। रियर टू ड्रम ही रहने वाला है। 21 लाख रुपए के लगभग अराउंड आप लोगों को पे करने के बाद भी ना दो ही डिस्क का सेटअप मिलेगा, एक ये रहा और एक अपना अपोजिट साइड भी आ जाता है। बॉटल होल्डर है छोटे साइज़ का, सो स्टोरेज स्पेस या फिर कह सकते हैं यूटिलिटी स्पेसेस यहाँ पे थोड़ा सा कम आप लोगों को ये मिलेगा। तो 2.1 लीटर का यहाँ पे आप लोगों को एमहॉक डीजल इंजन मिल जाता है, 130 एचपी का पीक पावर है। तो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो तो होने वाला है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 वेरिएंट के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियो क्लासिक का टॉप एंड वेरिएंट आज अपन लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कार के बारे में सारी डिटेल आज आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाने वाली है। कलर ऑप्शंस, वेरिएंट्स, प्राइसिंग, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है वेटिंग पीरियड, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक भैया आज भी 6 से 8 महीने के वेटिंग पीरियड पे ही अवेलेबल है, स्पेशली व्हाइट एंड ब्लैक कलर। कलर ऑप्शन से ही स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो टोटल 5 कलर ऑप्शन में कार अवेलेबल रहती है। सिल्वर कार आज अपने पास ये रहा, इसके अलावा एक रहता है व्हाइट, ब्लैक, रेड एंड ग्रे, इस टाइप से टोटल 5 कलर ऑप्शंस हो जाते हैं। सिल्वर में काफ़ी अच्छा लुक कार का निकल के आ रहा है, स्पेशली अलॉयज भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे जेलअप हो जाते हैं। कुछ इस टाइप की यहाँ पे आप लोगों को दो फ्लिप की देखने को मिलेगी, जिसमें से एक आपको रिमोट की रहेगा, लॉक अनलॉक और सेंटर वाला बटन अगर अपन प्रेस करेंगे तो कार आपका हॉर्न स्टार्ट हो जाएगा कार का, इस टाइप से अनलॉक रहेगा, लॉक रहेगा, कोई भी लॉक और अनलॉक पे हॉर्न आपका साउंड नहीं आने वाला, इस टाइप से बस आपका इंडिकेटर ही ब्लिंक होगा, कोई भी साउंड यहाँ पे नहीं रहेगा। फ्लिप की ये आपका रहेगा, वेव वाला पैटर्न यहाँ पे मिल जाता है। और सेकंड की जो रहता है यहाँ पे कोई भी स्विचेस अवेलेबल नहीं है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो, इसमें सिर्फ आपका एक फिजिकल की ही अवेलेबल रहेगा। तो इस टाइप से दो की आप लोगों को मिल जाता है। वेरियंट की बात करते हैं तो दो ही वेरियंट में कार अवेलेबल रहने वाली है, टॉप और बेस, एस और एस इलेवन, जो कि एस इलेवन अपने पास ये रहा। सिटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो दो सिटिंग ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसमें कि सेंटर वाली जो एक रो है यहाँ पे, जैसा कि ये अभी अपना बेंच सीट या फिर सोफा सीट इसको आप लोग कह सकते हो, इसकी जगह कैप्टन सीट का ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि इस टाइप से दो सीट आपका पीछे भी मिडल रो में भी मिलेगा और इस टाइप का सीट आपको मिलेगा थर्ड रो में। अभी यहाँ पे एक ये साइड फेसिंग या फिर बेंच सीट इसको आप लोग कह सकते हो। सो ये एक अपना सीटिंग का डिटेल पूरा हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं, 7 सीटर और 8 सीटर, इस टाइप से कुछ बूट स्पेस यहाँ पे मिलेगा, बूट का डोर, दो स्पीकर आ जाते हैं, हैंडल है और लीवर आ जाता है, डिफॉगर है जिसका कि ये चीज़ यहाँ से विजिबल रहेगा। अब आप लोगों को एक बार रियर लुक दिखा देते हैं। इस टाइप से कुछ एसेसरीज़ के पार्ट भी इस कार पे इंस्टॉल्ड है, जैसे कि ये बुल बार रियर वाला आप लोग देख रहे हो बम्पर प्रोटेक्शन के लिए, और उसी के साथ साथ ये अपना जो सनशेड्स हैं या फिर विंडो गार्निश है ये भी क्रोम वाला यहाँ पर पार्ट ऑफ एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड है। साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। और इस गाड़ी का यानी कि स्कॉर्पियो क्लासिक का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है ना, वो है डोर का थंप। ये वाला जो साउंड है ना, ये इस गाड़ी के ऊपर प्रॉपर जेलअप होता है, सुनना ध्यान से, ये फुल एकदम ना देसी वाइब्स यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। कलर ऑप्शन हो चुके हैं, वेरिएंट्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं जी प्राइसिंग की, सबसे मेजर पार्ट, और वेटिंग पीरियड मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अभी लगभग जयपुर में ब्लैक और वाइट कलर स्पेशली 6 से 8 महीने के बुकिंग पीरियड पर, वेटिंग पीरियड पर अवेलेबल हो रहा है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो S11 ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करेगा 20,90,000, 20.90, 20,90,000 S11 वेरिएंट रहेगा। और जो बेस वेरिएंट रहता है S, उसकी प्राइसिंग है 16,42,000, 16.42। सो ये हो जाती है जी अपनी प्राइसिंग। स्टार्ट करते हैं क्या कुछ कार में आप लोगों को मिल जाता है। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर, ये ड्यूल एक हाई बीम लो बीम वाला सेटअप है। हेडलैम्प हाउसिंग कंप्लीट ब्लैकआउट ही रहेगा। एलईडी में DRL आ जाता है आईब्रो टाइप, और LED में DRL एक अपना यहाँ भी आईब्रो टाइप ही सेटअप ये रहेगा। लाइटिंग कॉम्बिनेशन में हो जाता है हेलोजन प्लस LED, ये आपका सेटअप हो जाता है। फॉग लैंप मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में। अगर बेस वेरिएंट भी ले रहे हो तो ये पार्ट आप लोग एक कंपनी से ही एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हो। फ्रंट बम्पर कुछ अपना स्टाइप से नंबर प्लेट की प्लेसिंग आ जाती है। फ्रंट में दो पार्किंग सेंसर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, कि स्किट प्लेट वाला लुक आ जाता है। ड्यूल में मैट ब्लैक और सिल्वर वाला ये कॉम्बिनेशन अपना रहेगा। फ्रंट ग्रिल क्रोम और मैट ब्लैक का यूज़ यहाँ भी मिल जाता है। महिंद्रा का लोगो आ जाता है बटरफ्लाई टाइप, प्लस एक बोनट स्कूप भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, जो कि इंजन कूलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है और लुक को भी ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करती है। इस टाइप से कुछ अपना हुड है, और ये अपना रहने वाला है हाइड्रोलिक टाइप, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी हैवी पार्ट भी है। और विंडशील्ड वॉशर भी यहाँ पर आप लोगों को प्लेसिंग देखने को मिल जाएगी। इस टाइप से कुछ ये हो जाता है अपना फ्रंट लुक कंप्लीट। थोड़ा सा जगह का इशू है, बट आप लोगों को ये प्रॉपरली विजिबल रहेगा ही। एक व्हील आर्चेज यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा गाड़ी के चारों तरफ रैप अराउंड, ये भी काफ़ी अच्छा है। साइड
पैनल में बात करते हैं तो इंडिकेटर की प्लेसिंग साइड पैनल साइड फेंडर पे ही आप लोगों को मिलेगा। एम हॉक जो कि इंजन की ब्रांडिंग है, प्लस यहाँ पे एम हॉक का जो एक लोगो है ये आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये लुक को एनहेंस कर रहा है। बट ये सिंगल साइड ही आप लोगों को ये एम हॉक की ब्रांडिंग मिलेगी, अपोजिट साइड पे ये वाला सेटअप नहीं है। इस टाइप से ओ आर वी एम से इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ पे ना होके फेंडर पे ही अपना सेटअप रहेगा। साइड स्कर्टिंग आ जाती है जिस पे कि स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग मिलेगा। गाड़ी के साथ स्टॉक ये आप लोगों को फुट स्टेप भी देखने को मिल जाने वाला है। टायर्स की बात कर लेते हैं तो टायर यहाँ पे आप लोगों को ये जो कंपनी से अलॉयज मिलने वाले हैं टॉप एंड वेरिएंट में, ड्यूल टोन में ग्लॉसी ब्लैक और एक क्रोम सिल्वर वाला सेटअप आ जाता है महिंद्रा का लोगो है। फ्रंट टू आप लोगों को यहाँ पे डिस्क मिलेगा, रियर टू ड्रम ही रहने वाला है। 21 लाख रुपए के लगभग अराउंड आप लोगों को पे करने के बाद भी ना दो ही डिस्क का सेटअप मिलेगा। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग है 235/65R17 235/65R17 17 इंच का ये अपना अलॉयज का सेटअप ये रहने वाला है। अब आ जाते हैं जी साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल का लुक ये आप लोग देख सकते हो। स्टार्टिंग से जैसा कि स्कॉर्पियो आ रहा है ना, काफ़ी कुछ बदला नहीं है साइड प्रोफाइल में स्पेशली। फ्रंट लुक चेंज हो जाता है लाइट्स वगैरह, बट साइड प्रोफाइल का ये जो शेप है ये मोरलेस आपका सेम ही रहेगा। विंडो का साइज़ ये आप लोग देख सकते हो, जो विंडो फ्रेम है ये कम्प्लीट अपना ब्लैकआउट वाला ही सेटअप रहेगा। थर्ड ग्लास या फिर क्वार्टर पैनल जो कहते हैं ये भी ओपनेबल रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है स्पेशली थर्ड रो के पैसेंजर के लिए। यह अपने एक मैट ब्लैक वाला यूज़ यहाँ भी आ जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल 60 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, और स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ ये चीज़ काफ़ी फेमस है। यहाँ पे दो इस टाइप से फ्यूल लिड मिलेगा, एक ये रहा और एक अपना अपोजिट साइड भी आ जाता है, जो कि एक ना वो जो AdBlue रहता है उसके लिए यह सेटअप बन जाता है। रियर लुक कंप्लीट करते हैं तो रियर में अपना वही महिंद्रा का लोगो, पियानो ब्लैक वाला पार्ट, कैमरे की प्लेसिंग, नंबर प्लेट अपना यहाँ पे आ जाना है। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की प्रॉपर ब्रांडिंग आ जाती है। LED में रियर लाइटिंग सेटअप रहेगा, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। प्लस ये अपना पिलर लैंप भी आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर और एक स्पॉयलर भी टॉप एंड वेरिएंट में ये कंपनी से ही आपको मिल जाने वाला है। रूफ पे देखते हैं तो ये अपना आ जाता है, यहाँ पे रूफ रेल्स आ जाता है, प्लस एक रूफ की जो शेप है वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सनरूफ अवेलेबल नहीं रहता, सनरूफ लेना है तो स्कॉर्पियो एन लेना पड़ेगा। कुछ इस साइड से ये अपना एंटीना आ जाता है जो कि फ्रंट में ही रहेगा, शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पे नहीं रहने वाला। इस साइड से कुछ आपका वाइपर्स का ये शेप रहेगा, दोनों ही अपना सेम ये सेटअप भी हो जाता है। रियर लुक एक बार और देख लेते हैं तो ये अपना सेटअप बनता है। बूट ओपनिंग के लिए यहाँ पे एक अपना नॉब आ जाता है, प्लस एक की होल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस टाइप से काफ़ी अच्छा खासा एक अपने को बूट स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो पुल टू ओपन एक ये लीवर मिल जाता है, जिसको आप लोग इस टाइप से प्रेस करोगे तो ये अपना फ्यूल लिड ओपन हो जाता है। पेट्रोल में कार अवेलेबल नहीं रहता, सिर्फ डीजल में ही अवेलेबल ये सेटअप रहेगा। और यहाँ से जो अपना AdBlue वाला लिड है ये भी ओपन आप लोग इसको पुल करके देख सकते हो। इस टाइप से कुछ सीट का लेआउट है, ये फोल्डेबल वाला पैटर्न रहता है, फोल्ड कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा और आप लोगों को ये स्पेस प्रोवाइड हो जाएगा। रूफ लैंप दो यहाँ पे मिलेगा, एक अपना फ्रंट में है और एक आपका थर्ड रो के लिए भी यहाँ पे हेलोजन में ही कंप्लीट ये सेटअप बन जाता है। इस टाइप से यहाँ पे ये वाला ग्लास जो है ये ओपन आप लोग कर सकते हो। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, एक्सटीरियर हो चुका है अपना कंप्लीट, ये बंद नहीं हुआ, ये यहाँ पे थोड़ा सा कम है बट डोर्स पे काफ़ी अच्छा है। पहले अपन लोग कवर कर लेते हैं मिडल रो का एक जो अपना रियर वाला डोर पैनल है ये कुछ इस टाइप से है। एक आपको पावर विंडो का कंट्रोल आ जाता है, एक स्ट्रिप आ जाती है ग्लॉसी ब्लैक में, हैंडल है, डोर ओपन करने के लिए लीवर है, और ये आपका एक फ़ोन रखने के लिए स्पेस आ जाता है। बॉटल होल्डर है छोटे साइज़ का, सो स्टोरेज स्पेस या फिर कह सकते हैं यूटिलिटी स्पेसेस यहाँ पे थोड़ा सा कम आप लोगों को ये मिलेगा। थाई सपोर्ट की भैया कोई कमी नहीं है। हेडरेस्ट दो आ जाएगा अपना मिडिल रो में। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी देखने को ये मिल जाने वाला है, एक ओपन करके देख देते हैं कि इस टाइप से है। सो ये रहा विदाउट एनी कप होल्डर आर्म रेस्ट, यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। इस टाइप से कुछ फ्रंट सीट का बैक रहने वाला है। लेदर में आप लोगों को यहाँ पे एक सीट कवर मिलने वाला है। अब ये चीज़ मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है, ये गाड़ी के साथ ये वाला सेटअप आपको मिलने वाला है। तो इस टाइप से कुछ हो जाता है अपना मिडल रो। आ जाते हैं फ्रंट में देख लेते हैं किस टाइप से कम्प्लीट आपका लेआउट रहेगा। डोर पैनल कुछ इस टाइप से है, वही अपने पावर विंडो के कंट्रोल्स, एक आपका थोड़ा बहुत स्पेस आ जाता है, और एक ये थोड़ा सा स्ट्रैप भी आ जाएगा फाइल या पेपर होल्ड करने के लिए। सेपरेटली यहाँ पे आप लोगों को दो आर्म रेस्ट मिल जाते हैं ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, जो कि काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल सिटिंग बना देता है। एक स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग भी आ जाती है। सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट आप लोग मैनुअली कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कुछ भी यहाँ पे नहीं है। इग्निशन के रैप अराउंड यहाँ पे एक इल्यूमिनेशन वाला एलिमेंट भी आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है।
फ्यूल लिड आप लोग फ्रंट से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे है डिफॉगर का स्विच, बीम कंट्रोलर और जो आपके ORVM से ये कंट्रोल करने के लिए अपना लीवर यहाँ आ जाता है। ऑल फोर डोर्स पे यहाँ पे आप लोगों को एक ये इल्यूमिनेशन के साथ इसका फ्लेट देखने को मिल जाता है, स्कॉर्पियो स्टाइप से प्रॉपर पार्किंग के साथ। स्टीयरिंग व्हील कुछ आपका इस टाइप से है, पियानो ब्लैक वाला एलिमेंट आ जाता है। इस टाइप से कुछ हॉर्न का आपका साउंड रहेगा, कॉल पिक ड्रॉप, एक आपका म्यूजिक रिलेटेड सारे कंट्रोल जी हाँ जाते हैं। क्रूज कंट्रोल भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके कंट्रोल आपको मिल जाते हैं लेफ्ट साइड पे। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और देख लेते हैं अंदर से क्या कुछ सेटअप है। और स्कॉर्पियो में भैया अंदर आने का जो फील है ना, वो एक प्रॉपर SUV वाला यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील अपना लेदर रैप्ड भी रहने वाला और काफ़ी अच्छा ये क्वालिटी वाइज आपको फील होगा। सेंटर कंसोल पे देखते हैं तो इस टाइप से लगभग 9 इंचेस के अराउंड अराउंड यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन देखने को मिल जाती है विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। बट वायर्ड वाला ये रहेगा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले मुझे नहीं लगता स्कॉर्पियो क्लासिक में होगा। यहाँ पे आ जाता है अपना AC वेंट, क्रोम की एक लाइनिंग मिल जाती है, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग भी मिलेगा एक ही साइड पे। इस टाइप से कुछ साइड वाले अपने इस इवेंट्स रहने वाले हैं। ड्यूल टोन में डैशबोर्ड है, बीच प्लस ब्लैक, प्लस जो अपने पिलर्स हैं ये भी आपका बीच प्लस ब्लैक ही रहेगा। सनग्लास होल्डर आ जाता है फ्रंट में, प्लस एक अपना ये स्पीकर की प्लेसिंग रहने वाली है। वैनिटी कुछ भी नहीं है, वैनिटी सिर्फ आपको पैसेंजर साइड ही मिलेगी। और ये देख लेते हैं, ये ना जी एक्सटेंडेड वाला पार्ट ये आपका नहीं है। इस टाइप से स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा ये ना क्वालिटी आपको फील होगा। ये रहे अपने सारे वाइपर्स के कंट्रोल और हेडलैम्प्स रिलेटेड सारे अपने कंट्रोल। ऑटो हेडलैम्प भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। AC के कंट्रोल देख लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सारा कंट्रोल देखने को मिलेगा। टच वाला पैनल देखना पड़ेगा, नहीं है। और ये आ जाता है एक आपका वुडन फिनिश, प्लस एक फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, पॉकेट कह सकते हो। 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट आपका यहाँ है। 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ कार आती है, बट अब ना स्कॉर्पियो क्लासिक में वो वाला चीज़ नहीं रहा कि जब आप कार स्टार्ट करते थे और ये एक डांस देखने को मिलता था ना गियर लीवर का, वो अब यहाँ पे नहीं है। ये बिल्कुल एकदम एक स्टिफ एक अपना बढ़िया जगह पे हो चुका है। इस टाइप से कुछ यहाँ पे रिवर्स का मैकेनिज्म रहता है अप करके, और ये आपका इस टाइप से रिवर्स गाड़ी का लगेगा। यहाँ जाता है एक पैड है जिसपे कि फ़ोन वगैरह आप लोग रख सकते हो। अगेन एक बॉटल होल्डर, कप होल्डर आ जाता है, हैंड ब्रेक है, प्लस रियर में भी AC वेंट्स हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को एक स्पेस भी मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट एक ही, 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे अवेलेबल रहता है। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप, इसको ऑन और ऑफ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी अपना जाता है हजार्ड का स्विच जो कि ऑन और ऑफ यहाँ से आप लोग ये चीज़ भी हो जाएगा। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, उससे पहले दो ही एयरबैग आप लोगों को कार में अवेलेबल रहेगा, पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड, टॉप एंड वेरियंट में भी 21 लाख रुपये देने के बाद। ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। इस टाइप से ग्लव बॉक्स है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। और ये रहा आपका कुछ इस टाइप से, वही जैसा कि पियानो ब्लैक वाला एलिमेंट डोर्स पे है, वो आप लोगों को यहाँ पे ग्लव बॉक्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ MID का सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। MID का एक स्टार्टअप भी अपन लोग चेकआउट कर लेते हैं, किस टाइप से ये एक पूरा स्टार्टअप अपना बनता है। सो की अपन ने लगाया और ये कुछ MID का स्टार्टअप यहाँ पे आप लोगों को रहेगा। सेंटर में एक छोटा सा डिजिटल विंडो मिल जाता है, टैकोमीटर यानी कि RPM अपना यहाँ है, सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। 180 तक ही स्पीडोमीटर में आपका मार्किंग यहाँ पे रहेगा, और एनालॉग में ही अपना स्पीडोमीटर भी रहेगा, सारी की वार्निंग लाइट्स हैं। सेट और मोड का एक दो नॉब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डिजिटल विंडो में देखते हैं तो ट्रिप ए अभी शो हो रहा है, फ्यूल गेज है, इंजन टेम्परेचर है और ऑडोमीटर है। अब चेंजेस करके देखते हैं, सो यहाँ पे आप लोगों को ट्रिप ए ट्रिप बी यही है और ऑडोमीटर है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, ट्रिप मीटर है और एक अपना ऑडोमीटर आ जाता है, दैट्स इट। यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे रहने वाली है। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स देखते हैं तो ये आपका टिल्ट वाला सेटअप रहेगा ही, टेलीस्कोपिक ये नहीं है, ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील पे आपको ये देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ये वाला सेंटर वाला विंडो जो है ना, मुझे लगता है ये गियर इंडिकेटर हो सकता है, इसके बारे में आई एम नॉट श्योर। इंफोटेनमेंट सिस्टम का स्टार्टअप या फिर लेआउट कुछ आपका इस टाइप से ही विजिबल रहेगा। टच का रिस्पांस देख लेते हैं तो टच काफ़ी ओके है, सही है, स्कॉर्पियो भी विजिबल है, क्लॉक आ जाता है और बाकी सारी आपकी सेटिंग्स यहाँ पे शो हो जाती है। अब ओपन कर लेते हैं हुड और देखते हैं इंजन का लेआउट किस टाइप से है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हाइड्रोलिक वाला ये पूरा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, प्रॉपर इंसुलेशन भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा एरिया भी है कवर करी हुई है। ये रहा कार का इंजन, जो कि इस टाइप से काफ़ी एक ना भरा हुआ सेटअप आप लोगों को फील होने वाला है। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो 2.1 लीटर का यहाँ पे आप लोगों को MHOG डीजल इंजन मिल जाता है, 130 HP का पीक पावर है और 300 Nm का टोटल टॉर्क है 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ। माइलेज की बात करते हैं तो हाईवे पे इजीली आप लोग अचीव कर सकते हो 14 से 15 का,
सिटी में देखते हैं तो 9-10 के अराउंड ही आप लोगों को सेटअप मिलेगा। इंजन पे फुली कवर आ जाता है, प्लस कार्बन वाला एक सेटअप भी, टेक्सचर भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ये आपका इंजन का लेआउट, अब कर देते हैं उसको क्लोज, क्योंकि ओपन करना भी ईजी है और ये क्लोज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। हाइड्रोलिक की वजह से ये काफ़ी आपका लाइट हो जाता है। सो दैट्स इट। कार के टोटल वेट की बात करते हैं तो 1950 केजी आपका स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का टोटल वेट रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस टोटल मिल जाता है 209 mm का, 209 mm टोटल ग्राउंड क्लियरेंस। और व्हील बेस यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 2680 mm का, 2680 mm का टोटल आपका व्हील बेस है। सो इसी के साथ ये हो जाता है अपना वीडियो कम्प्लीट। स्कॉर्पियो क्लासिक अवेलेबल रहती है डीजल इंजन के साथ ही और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही। सो ये हो जाती है अपनी सारी डिटेल कम्प्लीट स्कॉर्पियो क्लासिक S11 वेरियंट के बारे में, प्राइसिंग भी, वेरिएंट्स भी, प्लस कार के बारे में ओवरऑल डिटेल्स भी आप लोगों को मिल चुकी है। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी जरूर से कर देना। करते अपना वीडियो एंड और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।